वेलकम दोस्तों, हमें फ्रेंड ने पूछा था एयर कंडीशनर है उसका कंप्रेसर कंटिन्यू चलते ही रहता है, चलते रहता है, अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से बंद नहीं होता है, क्या रीजन हो सकता रहेगा? अगर इस तरह से एसी हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, कंप्रेसर बंद नहीं होगा, ज्यादा लॉन्ग टाइम तो चलेगा, तो सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा और क्या इसके डिसएडवांटेज होगा, तो ये वीडियो में इसी के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आपका एसी आउटडोर कंटिन्यू चलते रहता है, ज्यादा देर तक चलता है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में जरूर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन जरूर करें। एयर कंडीशनर हमारा कोई सा भी हो सकता रहेगा, विंडो, स्प्लिट, डक्टेबल, पैकेज, नॉर्मल हम कॉमनली लेकर के फॉल्ट चलेंगे, ज्यादातर सिस्टम में कंट्रोल जो डिवाइसेस रहते हैं। ये हमारा अगर एसी कंटिन्यू चल रहा है तो ये फॉल्टी हमारा कंट्रोल्स का है, सिस्टम में हमारा जो इलेक्ट्रिकल पार्ट रहते हैं या मैकेनिकल पार्ट रहते हैं, इसका फॉल्टी हो सकता रहेगा। जैसे कि हमारा सिस्टम में फर्स्ट टाइम हमें चेक कर लेना चाहिए क्या हमारा एसी जो टेम्परेचर कितना डिग्री पे सेट किया हुआ है। अगर हमारा टेम्परेचर जो है एसी का रिमोट और 16 डिग्री टेम्परेचर पर सेट किया हुआ, कंटिन्यू पूरा फुल डाउन किया गया है, वो कंडीशन में क्या होगा, एसी हमारे रूम को टेम्परेचर मेंटेन जब तक नहीं कर लेगा तब तक एसी चलता रहेगा। जहां एसी का नॉर्मल 1 घंटा में चलने के लिए रहेगा, रूम को ठंडा करने के लिए, कवर करने के लिए रहेगा, वहां पर हमारा 2 घंटा 3 घंटा लग सकता रहेगा, जिससे क्या होगा एसी ज्यादा देर चलेगा, प्रॉब्लम होगा। या तो फिर आपका एसी नॉर्मल, हमने एग्जांपल आपने 20 डिग्री ही टेम्परेचर सेट किया हुआ है, रूम का कैपेसिटी जो है साइज जो है बड़ा है, या फिर आपका एक्सेस हीट लोड है, यानी कि एक्सेस हीट लोड मिस हो गया क्या, बाहर का जो गर्म हवा है वो रूम में आ रहा है। अगर हमारा बाहर का गर्म हवा जो रहता है रूम में आएगा तो उसमें क्या होगा, रूम का टेम्परेचर जो मेंटेन नहीं हो पाएगा, जब मेंटेन नहीं हो पाएगा तो एसी हमारा क्या करेगा, उसको बंद करेगा, मेंटेन करने का रूम को ठंडा करने की कोशिश करेगा और एसी कंटिन्यू चलता ही रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यू इस तरह से चलता ही रहेगा जब तक हमारा एसी ठंडा यानी रूम में टेम्परेचर 20 नहीं होगा। तो ये चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, हमारा सभी घर जो रहता है नॉर्मली इंसुलेटेड होना चाहिए, बाहर का एक्सेस हीट नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट सन का जो धूप रहता है हमारे रूम में नहीं आना चाहिए, या फिर डायरेक्ट जो हमारा बाहर का गर्म हवा जो रहता है रूम में नहीं आना चाहिए, यानी कहीं से भी एक्सेस हवा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे रूम में अगर सील पैक है, पूरा टोटल बंद है, तो उसको वो हवा को और रूम को सर्कुलेट करने के लिए, रूम के अंदर जो हवा रहता है उसे ठंडा करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हमारा ठंडा हो जाएगा, चिल हो जाएगा। वहीं पर अगर कहीं से भी एक्सेस हीट आ रहा है यानी बाहर से गर्म हवा आ रहा है तो जल्दी रूम में ठंडा नहीं हो पाएगा, एसी ज्यादा देर तक चलेगा और बिजली का बिल भी जो रहता है हमारा ये भी ज्यादा आएगा। ये चीज आप सावधान रहें, केयरफुल रहें, केयर करें। अगर सिस्टम में इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, एसी आपका आउटडोर देख रहे हैं कंटिन्यू चलते जा रहा है, कंप्रेसर जल्दी ज्यादा देर तक चलता है, या रूम में ठंडा जो है बहुत ज्यादा देर पर आता है, तो कंडीशन में आपका बिल भी ज्यादा होगा और सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगा। ये चीज जरूर नोट करें, केयर करें, ये आपका ऐसी ये संभाल करके देख सकते रहेंगे, या हमारे टेक्नीशियन भी आए बीच रहते हैं चेक कर सकते रहे, फर्स्ट टाइम ही जाकर के ये सब चीजें चेक करें, क्या हमारा सही रूम दरवाजा एक्सेस हीट लोड वगैरह है या नहीं। अगर ये सब चीजें सही है उसके बावजूद भी अगर हमारा एसी जो है कंटिन्यू चल रहा है तो कंडीशन में जाकर के आउटडोर में चेक कर सकते रहेंगे, आउटडोर में जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर लगा रहता है, ये जो हमारा प्रॉपर्टी जो है नॉर्मल स्प्रिट एसी डक्टेबल पैकेज कोई सा भी हो सकता रहेगा, उसमें कॉन्ट्रेक्टर लगा रहता है कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराने के लिए, या फिर इनडोर में जो पीसीबी रहता है रिले लगा रहता है, रिले क्या होता है कई बार ये जल जाता है, इसका यनो एनसी जो रहता है हमारा टेम्परेचर के सेंस के करके आना कराता है, ये हमारा खराब हो जाता है, जल जाता है जो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, जब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा तो फेस पावर जो रहता है डायरेक्ट सप्लाई हमारा करेगा, जब डायरेक्ट सप्लाई करेगा तो सिस्टम हमारा कंटिन्यू चलता ही रहेगा, जब कंटिन्यू चलता ही रहेगा तो कंडीशन में हमारा क्या क्या इफेक्ट हो सकता रहेगा, जैसे सिस्टम में आइस आना, इवेपरेटर में फुल आइस जमेगा, कंप्रेसर गर्म होना, बिजली का बिल ज्यादा होना, या रूम में बहुत ज्यादा चिल होना, ठंडा होना, ये सब चीज हमें प्रॉब्लम होगा अगर एसी कंटिन्यू चलेगा तो। या तो फिर और भी क्या रीजन हो जाता है, जो हमारा थर्मोस्टेट है, या अगर आपका फ्रीज विंडो एसी है तो उसमें थर्मोस्टेट रहता है, या फिर स्प्लिट एसी है नॉर्मल में इलेक्ट्रिक सेंसर लगा रहता है, थर्मोस्टेट ट्रांसमीटर लगा रहता है, अगर ये खराब रहेगा
तभी भी क्या होगा, हमारे रूम का टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाएगा। सेंस नहीं कर पाएगा तो कंडीशन में एसी हमारा कंटिन्यू चलता ही रहेगा, वर्क कंटिन्यू चलता रहेगा, प्रॉब्लम करेगा, आइस आएगा, ज्यादा कूल होगा, या जो हमने पहले बताया ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि लॉन्ग टाइम चलता ही रहेगा। या उसके बाद रीजन होता है सिस्टम में गैस का कम होना। अगर एसी में गैस कम है, कोई भी कारण बस हो सकता रहेगा, जैसे लीक हो गया है, पाइप लीक हो गया, क्रैक हो गया, टूट गया, कुछ भी, कोई भी कारण हो, अगर सिस्टम में गैस कम है, एग्जांपल R22 है, उसमें हमारा रिक्वायरमेंट है नॉर्मल 60 PSI गैस होना चाहिए, 410 है, 130 PSI के नियर में होना चाहिए। अगर इसमें कम है, अगर 10-20% कम हो जाती है, एग्जाम्पल हमारा 60 का रिक्वायरमेंट है, अगर इसमें 40 गैस हो गया, 40 हो गया है या 50 ही हो गया है, तो गैस कम हो गया सिस्टम में, तो कंडीशन में क्या हो जाएगा, कूलिंग तो करेगा बट जो हमारा चिल जितना जल्दी होना चाहिए, यहाँ पर जो रूम को ठंडा करने की कैपेसिटी 1 घंटा में है, उसमें 2 घंटा लग सकता रहेगा, 2.5 घंटा लग सकता रहेगा, ज्यादा देर तक लग सकता रहेगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा और गैस या कम होते जाएगा, कंडीशन में जो कैपेसिटी रहता है कूलिंग करने का वो भी कम होता जाएगा, एसी का जो लाइफ है घटते जाएगा, कंप्रेसर कंटिन्यू ज्यादा देर तक चलते जाएगा, ये भी एक मेन रीजन होते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीज है, हमें चेक करना चाहिए कभी भी, अगर इस तरह से एसी हमारा आउटडोर में देख रहे हैं या आपका बिल ज्यादा आ रहा है, ये सब चीजें आप जाकर के चेक कर सकते रहेंगे, प्रोटेक्ट कर सकते रहेंगे, सेव कर सकते रहेंगे, एसी में प्रॉब्लम क्या क्या चीजें कैसे वर्क हैंडल करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए थुरकली पटकली HVAC सेंट्रल एसी के बारे में जानने के लिए, होम अप्लायंस के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन जरूर करें। यह वीडियो फीडबैक दीजिए क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, आगे क्या चीज के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन एसी फ्रिज का वॉशिंग मशीन का कोई सा भी टूल्स स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाइंग कर सकते रहेंगे, बहुत से स्पेयर पार्ट्स का ऑफर चल रहा है, इसका फायदा आप ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।